चैप्टर हम लोग के चल रहा था, चैप्टर चल रहा था ऑप्टिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र। प्रकाशीय यंत्र में हम लोग देखे सबसे पहले विजिबल एंगल के बारे में, विजिबल एंगल दर्शन कोण के बारे में। दर्शन कोण के कारण ही, विजिबल एंगल के कारण भी हम लोग का वस्तु बड़ा और छोटा दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग देख लिए माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसमें दो तरह से मिला, सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल चुके थे, 1+D/F ये मिला हुआ था स्पष्ट दृष्टि के लिए, और एक जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है उसके लिए मैग्नीफिकेशन D/F। सिंपल माइक्रोस्कोप में दो रिजल्ट। इसके बाद हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखे मैग्नीफिकेशन, इसमें हम लोग का मिला रिजल्ट VO/UO(1+D/FE) और मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकस के रूप में मिला हम लोग का VO/FO(1+D/FE) और एक हम लोग का लेंस के रूप में भी रिजल्ट यहाँ से मिल सकता है M·L/FO(1+D/FE)। ये तीन रिजल्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि जब हम लोग का ट्यूब का लेंथ बढ़ेगा, यानी कि ट्यूब का लेंथ यानी लंबाई बढ़ेगा, तब उसका मैग्नीफिकेशन का मान बढ़ेगा, यानी कि आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। इसके बाद हम लोग क्या देखे, तो टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप में हम लोग का मिला दो तरह से, एक मिला रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप अपवर्तक दूरबीन, और उसमें हम लोग का मिला मैग्नीफिकेशन M·FO/FE। माइनस चिन्ह हम लोग का बताएगा कि जो लास्ट इमेज बनता है ऑब्जेक्ट के अपेक्षा इन्वर्टेबल बनता है। तो ये मिला था टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन, और ये किस कंडीशन में मिला हुआ था, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तब, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में मिला हुआ था। सेकेंड मैग्नीफिकेशन हम लोग का मिला हुआ था -FO/FE(1+FE/D), ये हम लोग का मैग्नीफिकेशन मिला हुआ था। इसमें टेलीस्कोप में दो तरह के देखे थे, अपवर्तक दूरबीन एक परावर्तक दूरबीन। तो अपवर्तक दूरबीन हम लोग का समाप्त हो गया था, जिसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल चुके थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो मैग्नीफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी तीन मैग्नीफिकेशन, और टेलीस्कोप में जो पहला हुआ यानी कि अपवर्तक दूरबीन, उसमें हम लोग का दो मैग्नीफिकेशन, और इस सब पर हम लोग न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं, बना लिए हैं। आगे हम लोग का जो टॉपिक है वह है टेलीस्कोप का दूसरा टॉपिक, और जिसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम लोग का व्यंजक प्राप्त नहीं करना है, केवल थ्योरी देखना है इसके बारे में। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हम लोग देखते हैं, सेकेंड टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसके बारे में बताने वाला वैज्ञानिक न्यूटन, जो 1668 ईस्वी में बताया, जैसे अपवर्तक दूरबीन में अभिदृश्यक लेंस जो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस, उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जो कि बनाना कठिन होता है। इसीलिए क्या हुआ कि उस कमी को दूर करने के लिए न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन का निर्माण किया, जिसमें मिरर का प्रयोग किया। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे परावर्तक दूरबीन क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इमेज को बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं परावर्तक दूरबीन का हम लोग कंस्ट्रक्शन, कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को डायग्राम में दिया हुआ है, सबसे पहले M1 एक कॉनकेव मिरर है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस।
यह जो ऑब्जेक्टिव लेंस है अर्थात कॉनकेव लेंस जो है, यह नली के एक सिरा पर लगा हुआ है और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकस है, फोकस यानी कि एफ, इसका पहले 45 डिग्री के एंगल पर, फोकस के पहले 45 डिग्री के एंगल पर M2 एक प्लेन मिरर लगा हुआ है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक लेंस जिसको हम लोग बोलेंगे नेत्रिका लेंस यानी कि आई पीसीज लेंस नेत्रिका लेंस लगा हुआ है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो इसमें दिया हुआ है क्या परावर्तक दूरबीन में, तो M1 एक ऑब्जेक्ट लेंस है जो नली के एक सिरे पर लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के पहले 45 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन मिरर M2 लगा हुआ है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लेंस ई अर्थात आईपीसीज लेंस नेत्रिका लेंस लगा हुआ है। ये हम लोग का परावर्तक दूरबीन का कंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं इसका क्रिया विधि यानी कि वर्किंग मेथड। तो वर्किंग मेथड देखते हैं यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यह क्या है, तो टेलीस्कोप का भाग है और टेलीस्कोप के द्वारा हम लोग दूर के वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, ये पैरेलल रेज आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है। तो जैसे ही ये पैरेलल रेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ता है तो पड़ने के बाद परावर्तन होता है और इस परावर्तित किरण को प्लेन मिरर पर गिराते हैं और जैसे ही प्लेन मिरर पर गिराते हैं तो इस प्लेन मिरर को 45 डिग्री पर रखे हैं इसलिए ताकि इससे जो परावर्तित किरण होगा उसका तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी काफ़ी अधिक हो, इसीलिए इस मिरर को, प्लेन मिरर को 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्टेड किरण का वेग यानी कि वेलोसिटी सबसे अधिक होता है। और जैसे ही यह समानांतर किरण ऑब्जेक्ट से आता है तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस से परावर्तन के बाद फोकस पर मिलता है लेकिन उसका पहले मिरर लगा देते हैं और यह मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर, कि इस दोनों किरण को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है और ये दोनों किरण एक दूसरे को एडेस पर काटता है और ये जो डॉट डॉट से यहाँ दिखाया गया है यह नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है जो प्लेन मिरर पर डाला गया है। और इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहता है तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब ए डैश पर बनता है। अब ये जो इमेज बना यह इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बना लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब इस स्थिति में जब यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यदि यह ऑब्जेक्ट अगर इस लेंस के पोल और फोकस के बीच में है तब इस कंडीशन में इसका इमेज लेंस के उसी ओर ए डबल डैश और बी डबल डैश बनता है जो कि यहाँ से दो किरण निकला, लेंस से अपवर्तन हुआ, ये दोनों किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक किरण ए डबल डैश पर काटा और इस प्रकार ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब ए डबल डैश और बी डबल डैश बना, आभासी सीधा और बड़ा। और इस प्रकार हम लोग परावर्तक दूरबीन के द्वारा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख लेते हैं। तो ये इसका क्रिया विधि है। यदि बाय द वे अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस लेंस के फोकस पर रखते हैं तब फोकस पर रखेंगे तब उस कंडीशन में हम लोग का इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा और जब इन्फिनिटी पर बनेगा तब उस कंडीशन में इसका भी मैग्निफिकेशन हम लोग को -FO/FE मिलेगा। तो ये बात न्यूटन बताया जो कि इसका हम लोग देखे कंट्रक्शन क्या है और कंट्रक्शन के बाद इसका क्रिया विधि क्या है। तो बहुत सिंपल है, अगर कंट्रक्शन लिखना है तो सबसे पहले M1 एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस M1 ऑब्जेक्टिव लेंस पर समानांतर किरण अनंत से चलता है और चलने के बाद जैसे ही परावर्तन होता है तो यह फोकस पर मिलता है लेकिन फोकस से पहले एक प्लेन मिरर लगा दिए और प्लेन मिरर पर पड़ने के बाद यह पुनः परावर्तित हो जाता है, एक दूसरे को एड्रेस पर काटता है और इस प्रकार इन्फिनिटी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है
और यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट का इसका पोल और फोकस के बीच में कर लेते हैं, जिसका इमेज इस लेंस के द्वारा ए डबल डैश और बी डबल डैश पर बनता है, और इस प्रकार इसका इमेज को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, जो आभासी, सीधा और बड़ा होता है। तो ए न्यूटन बताया था परावर्तक दूरबीन के बारे में, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें भी कुछ कमी निकल गया। वो जो इमेज दिखाई हम लोग को देता है, वह इमेज उतना ब्राइटनेस नहीं दिखाई देता है, तो इसमें भी एक कमी निकला, जिसको आगे चल के क्लियर केसी ग्रेन नामक वैज्ञानिक किया। सबसे पहले तो कमी निकला टेलीस्कोप, टेलीस्कोप अर्थात कह सकते हैं रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप में, और उसको न्यूटन दूर किया और उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया, और इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी कुछ कमियां निकला, अर्थात कह सकते हैं कि वह कमी निकला तुम्हारा स्फेरिकल एब्रेशन, यानी कि गोलीय दोष, और उसको दूर करने के लिए केसी ग्रेन नामक वैज्ञानिक जो है वह यूज किया था पाराबोलिक अवतल दर्पण, और उसको यूज करके इस कमी को दूर किया। उसके द्वारा भी इमेज और स्पष्ट और चमकीला दिखाई देता है, जो कि हम लोग अगले क्लास में उसको देखेंगे।